दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि फिलहाल हरियाणा में चुनावी बुखार पीक पर पहुंच चुका है। सभी पार्टियों ने मजबूती से अपने अपने काम शुरू कर दिए हैं अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, और प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी बहुमत में आए और उनकी पार्टी का सीएम बने। दोस्तों, लेकिन मैं जो बात तो राजनीति की करने जा रहा हूं इसी से संबंधित है, लेकिन मैं थोड़ा लीक से हटकर आज बात कर रहा हूं। मुद्दा तो चुनावी ही है कि फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है और फरीदाबाद दशकों तक हरियाणा की आर्थिक राजधानी रहा है। अब भी वो हरियाणा को जो टैक्स कलेक्शन होता है भारी तादाद में हरियाणा गवर्नमेंट को देता है या फरीदाबाद से मिलता है। उस समय से शायद गुड़गांव उसमें आगे निकल गया, लेकिन फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, ये हथिनू मतलब या दक्षिणी हरियाणा, एक ही बात आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं। तो मैं कहने ये जा रहा हूं कि फरीदाबाद हरियाणा का सबसे आबादी वाला शहर है और हरियाणा की आर्थिक राजधानी एक तरीके से है। फरीदाबाद के साथ गुड़गांव को मिला लो, हालांकि पहले ये एक ही जिला हुआ करता था। गुड़गांव मतलब फरीदाबाद पहले गुड़गांव का ही हिस्सा होता था, पलवल भी फरीदाबाद का हिस्सा होता था, नूह वगैरह, मतलब ये एक जिले, मतलब गुड़गांव में से ही लगभग ये सारे जिले बने हैं। तो इसमें जो बहुत सारे लोगों की जो तकलीफ है फरीदाबाद के रहने वालों की, और मैं कई बार यहाँ के स्थानीय नेताओं से बातचीत करता हूं, तो सबका एक दर्द छलकता है। और वो दर्द क्या है? वो दर्द है दोस्तों कि इतना सब कुछ होते हुए भी फरीदाबाद आज तक सीएम सिटी क्यों नहीं बन पाया। यहां के लोगों का एक बड़ा दर्द है। फरीदाबाद का कोई भी नेता आज तक हरियाणा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया? बात मुख्यमंत्री की नहीं है, फरीदाबाद से आज से 10 साल पहले तक कोई केंद्र में मंत्री भी नहीं बना था। इस मामले में तो हम भाजपा सरकार की, केंद्र की भाजपा सरकार की या मोदी जी सरकार की, या विशेष रूप से मोदी जी की सराहना करेंगे कि उन्होंने पहली बार फरीदाबाद जिले के किसी सांसद यानी कृष्णपाल गुर्जर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। यानी फरीदाबाद जिले का कोई ऐसा नेता जब से हरियाणा बना, कृष्णपाल गुर्जर एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि फरीदाबाद से आज की तारीख, आज तक इतने दशकों में कोई सीएम क्यों नहीं बन पाया, फरीदाबाद सीएम सिटी क्यों नहीं बन पाया। मैं मोटे तौर पर थोड़ा सा अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि अब तक जो जितने सीएम बने, यदि आप को मैं शुरुआत से बताऊं तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, और वो रोहतक के निवासी थे। बेरी में उनका जन्म हुआ था, जो फरीद जो रोहतक जिले में ये कस्बा पड़ता है या शहर उसको कह लीजिए, जो भी है। उसके बाद बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने।
जो भिवानी के रहने वाले थे और इस तरीके से रोहतक के बाद भिवानी सीएम सिटी बना। उससे आगे बढ़ते हैं तो चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने 77 में, वो सिरसा के रहने वाले थे। ओम प्रकाश, उन्हीं के बेटे ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने जो सिरसा के रहने वाले थे, तो सिरसा एक तरीके से ये सीएम सिटी बना। भूपेंद्र हुड्डा रोहतक के रहने वाले थे, भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो रोहतक सीएम सिटी बना। हालांकि रोहतक तो पहले भी सीएम सिटी बन चुका था जब पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम बने थे। इससे आगे बढ़ते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी भी मुख्यमंत्री बने, उनको करनाल से जोड़ा जाता है। मनोहर लाल जी के साथ एक चीज और खास जुड़ी कि वो हरियाणा के पहले पंजाबी समुदाय के मुख्यमंत्री बने, चूंकि इतने दशकों में आज तक कभी कोई पंजाबी समुदाय का मुख्यमंत्री नहीं बना था और वो उनका रिश्ता करनाल से। आगे बढ़ते हैं, राव वीरेंद्र सिंह भी जो रेवाड़ी के रहने वाले थे, कुछ महीने के लिए वो भी सीएम बन गए। हरियाणा विशाल पार्टी होती थी उनकी और 1967 में कुछ महीनों के लिए उनको भी मौका मिल गया। और उस तरीके से आप रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ को भी ऐसे श्रेणी में गिन सकते हैं कि सीएम सिटी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी बना और राव वीरेंद्र सिंह वहां से मुख्यमंत्री बने। आगे बढ़ते हैं, सातवें मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जो 1975 में उस समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, बंसीलाल के बाद वो भी भिवानी जिले के थे। यानी बनारसी दास गुप्ता के सीएम बनने पर भिवानी फिर से सीएम सिटी बन गया। देवीलाल जी का मैं आपको बता ही चुका हूं कि 21 जून 1977 को पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे और वो सिरसा के रहने वाले थे। मास्टर हुकम सिंह भी कुछ समय के लिए सीएम बने और वो भी दादरी भिवानी के रहने वाले थे। यानी भिवानी का नाम जो बार बार आ रहा है, भिवानी यानी कई बार सीएम सिटी बना। उसके बाद भजन लाल जी आदमपुर हिसार के रहने वाले और वो मुख्यमंत्री बने, वो भी 80 के दशक में मुख्यमंत्री बन गए थे। और इस तरीके से हिसार भी सीएम सिटी यानी मुख्यमंत्री का जिला बन गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मैं बात कर चुका हूं कि वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे और रोहतक जो है सीएम सिटी बना। मनोहर लाल जी करनाल से सीएम सिटी बने और नायब सिंह सैनी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, तो वो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। यानी कुरुक्षेत्र को भी सीएम सिटी बनने का सौभाग्य मिल गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि आखिर फरीदाबाद में क्या कमी है, समृद्ध शहर है, बड़ा शहर है, इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, हजारों उद्योग हैं यहां पर, लेकिन ये आज तक सीएम सिटी नहीं बन पाया और आगे भी बन पाएगा या नहीं इसका भी कुछ पता नहीं। इस मुद्दे पर मैंने पंजाबी समुदाय की
एसी चौधरी जी से बातचीत की। वो तीन बार फरीदाबाद एनआईटी 86 से विधायक चुने गए 80 के दशक में, और तीनों बार कैबिनेट मिनिस्टर बने और 9-9 मंत्रालय उनके पास रहे। वो भी सीएम नहीं बन पाए, लेकिन उनके नाम की चर्चा जरूर हुई थी और शायद वो अपने समय में सबसे मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर मिनिस्टर थे और पूरे हरियाणा का पंजाबी समुदाय उनके पीछे खड़ा हुआ था, उनको मजबूती देता था। बावजूद इसके वो सीएम नहीं बन पाए। यदि हम समुदायों की बात करें तो जो मनोहर लाल खट्टर जी पंजाबी समुदाय से आते हैं, वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते पंजाबी होने के नाते। बस वो तो इसलिए मुख्यमंत्री बन गए कि वो आरएसएस से जुड़े हुए थे और उन्होंने आरएसएस में रहते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्षों काम किया था, इसलिए उनकी लॉटरी मुख्यमंत्री बनने की लग गई। वरना पंजाबी समुदाय से भी सीएम बनने के कोई चांस नहीं रहते हैं। इस पर जो है हमने एसी चौधरी से जो बात की, उनका दावा था कि हम लोग जब पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब से या पूरे पाकिस्तान का जो हिस्सा है आजादी के बाद जब दो टुकड़े हुए, तो वहां से जो लाखों की तादाद में हिंदू सिख शरणार्थी भारत लौटे, तो बड़ी तादाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है उनको फरीदाबाद एनआईटी में बसाया। एसी चौधरी दावा करते हैं कि कांग्रेस से इस समुदाय का, पंजाबी समुदाय का, या उनको ये कह लीजिए कि जो फ्रंटियर से जो अफगानिस्तान से जुड़े हुए जो जिले थे, वहां से बड़ी तादाद में लोग आए और पंजाब से तो आए पाकिस्तानी पंजाब से, तो वहां से भी आए, तो वो खुदाई खिदमतगार या उन्हें सीमांत गादी भी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान, उनकी वजह से वो पठानों का इलाका जो अफगानिस्तान की सीमा से लगता है, जो बन्नू है कि कुहाट है और उस तरीके सारे जो ये जिले हैं, फिर नीचे पंजाब के जिले हैं, तो उनको पंडित जी बहुत प्यार करते थे, चूंकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके सपोर्टर थे, तो इसलिए जो है पंडित नेहरू ने बड़ी संख्या में विस्थापित पंजाबियों को या पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को फरीदाबाद और उसके आसपास के शहरों में बसाया। क्योंकि ज्यादा आ गए थे तो फिर जो है फरीदाबाद से एसी चौधरी कहते हैं कि भाई रेवाड़ी वाड़ी भरतपुर आसपास के जिलों में भी और देश के अन्य कोनों में भी पंजाबी समुदायों को या शरणार्थियों को, हिंदू सिख शरणार्थियों को और जगह बसाया गया। तो अगला सवाल पे एसी चौधरी कहते हैं कि चूंकि पंजाबी समुदाय वहां से लुटपिट कर आया था, तीन कपड़ों में आया था, तो उनके तो दशकों अपने आप को खड़ा करने में लग गए, कोई रोजगार नहीं था, कोई धंधा उनके पास नहीं था, पैसा उनके पास नहीं था, तो ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मेहरबानी थी कि फरीदाबाद में उन्होंने फैक्ट्रियां लगवाई, इंडस्ट्रियल टाउन बनवाया। एनआईटी का मतलब ही है न्यू इंडस्ट्रियल टाउन से बसाया, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान से विस्थापित हुए हिंदू सिखों के लिए ही बसाया गया था, और उससे जो है बड़ा रोजगार फरीदाबाद के लोगों को मिला। वो आगे कहते हैं कि
पंजाबी समुदाय राजनीतिक रूप से इसलिए नहीं खड़ा हो पाया जो मैंने बताया कि उनको दशकों गरीबी के कारण अपने पैरों खड़े होने में बहुत समय लग गया, और जो साथ में ओल्ड फरीदाबाद था वो छोटा सा कस्बा था, बल्लभगढ़ था वो भी बहुत छोटा सा कस्बा था, पलवल भी था वो भी बहुत छोटा सा कस्बा था, कोई यहां पर जो है समृद्ध राजनीति नहीं थी, उनकी बैकग्राउंड जो है इतनी राजनीतिक नहीं थी, इसलिए इस क्षेत्र में जो फरीदाबाद गुड़गांव जिले के आसपास के जो शहर हैं इनमें जो है मजबूत राजनीति या राजनेता नहीं उभर पाए। तो पंजाबी समुदाय की तो बात उन्होंने बता दी, और ये भी कि यहाँ पर जो है बाद में जैसे अब हम बात करते हैं तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, यहाँ पर जो है किसी एक जाति समुदाय की आबादी बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मतलब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पूरे दुनिया भर के, पूरे भारत के लोग यहां आकर बसे हैं, और एकजुटता भी उनमें नहीं है, और इतनी आबादी भी एक समुदाय की नहीं है, चाहे जाट समुदाय है, चाहे गुर्जर समुदाय है या पंजाबी समुदाय है, कि वो उस तरीके से अपनी ताकत बना सके जिस तरीके से रोहतक, भिवानी, हिसार या इस क्षेत्र के जो और भी जो जाट बाहुल्य वो है। तो मजबूती से उतनी आबादी इस क्षेत्र की नहीं है कि जिससे वो मजबूत राजनीति करके अपना कोई सीएम सिटी बना पाते या फरीदाबाद सीएम सिटी बन पाता। आगे वो कहते हैं कि जो गुर्जर समुदाय है ये भी गरीब था, ये तो इनके पास जमीन वगैरह थी, पढ़ लिख गए, अब थोड़ी सी इनमें राजनीतिक तौर पर चेतना आई है कुछ वर्षों से, और ये दिल्ली एनसीआर और फरीदाबाद में मतलब मजबूती से गुर्जर समुदाय जो जमीनों के कारण बिकी हैं, करोड़ों रुपए की इनकी जमीनें बिकी हैं, उससे आर्थिक समृद्धि आई है, पढ़े लिखे हैं, तो गुर्जर समुदाय राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ है। लेकिन उसके बावजूद उनकी आबादी फरीदाबाद जिले में या पूरे हरियाणा में डोमिनेटिंग नहीं है, कुछ पॉकेट्स हैं जिनमें गुर्जर समुदाय बसता है, उस तरीके की बड़ी आबादी नहीं है गुर्जरों की जिस तरीके से जाट 20-22% है या हरियाणा में दलित 20-22% है। इतनी मोटी आबादी, परसेंटेज जो आबादी उसकी नहीं है, तो इसलिए भी फरीदाबाद राजनीतिक रूप से उतना समृद्ध नहीं हो पाया जितने की हमने बताया हिसार, भिवानी, रोहतक, करनाल, सिरसा वगैरह या जींद वगैरह राजनीतिक रूप से मजबूत हुए। तो इसी मुद्दे पर फरीदाबाद के ही वरिष्ठ पत्रकार लेखक ज्योति संघ कहते हैं कि हरियाणा में पंजाबी समुदाय के प्रति यहां के राजनीतिज्ञों की एक खास नजर रही, जितनी उनकी आबादी है उस लिहाज से उनको विधानसभा में टिकट नहीं दिए जाते, और दिए भी जाते हैं वो जीत भी जाते हैं तो उनको मजबूत नहीं होने दिया जाता, या उनको उतने बड़े मंत्रालय नहीं बनते मिलते। और वो कहते हैं कि बेशक ऐसी चौधरी बड़े नेता थे पंजाबी समुदाय के, और मुख्यमंत्री के बाद उनका ही नाम गिना जाता था, चाहे वो भजन लाल के समय में या किसी और समय में जब वो मुख्यमंत्री थे। तो एसी चौधरी बहुत ताकतवर बन गए थे, पूरे हरियाणा का पंजाबी उनके पीछे था, लेकिन ज्योति संघ कहते हैं कि वो एसी चौधरी ने भी कुछ जल्दबाजी की थी और वो तेजी से चले थे जिससे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनके पैर पर कतर दिए, और उसके बाद जो है कोई पंजाबी को उभरने नहीं दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए। और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, ज्योति संघ जी वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि
मनोहरलाल जी तो चूंकि आरएसएस से जुड़े हुए थे और पीएम के वो करीबी रहे थे, इसलिए वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन पाए। तो वैसे आगे कहते हैं वो कि वैसे भी जो पंजाबी समुदाय है वो दमदार राजनीति नहीं करता, वो पिछलग्गु होने की राजनीति करता है, मजबूती से राजनीति में खड़ा नहीं होता। और ये लोग यानी पंजाबी समुदाय एक तरीके से आप कह सकते हो कि डरपोक सी कौम है, और मजबूत नेता इसी दब्बूपन के कारण आगे नहीं निकल पाता। बेशक पंजाबी समुदाय फरीदाबाद या आसपास के जिलों में या हरियाणा में करोड़पति हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो दब्बूपन के कारण राजनीति में उतने सफल नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, चाहे फरीदाबाद ओल्ड फरीदाबाद छोटा सा शहर रहा है, बाद में सेक्टर कट गए, 100 के करीब सेक्टर बन गए जिनमें पूरे हिंदुस्तान के लोग आके बस गए हैं, यानी बिखरी हुई आबादी है, और कोई पॉकेट गुजरों की है तो थोड़ी सी है, जाटों की है तो थोड़ी सी है, दलित तो बिखरे हुए हैं, पंजाबी इसी तरीके से हैं। तो ये जो मैंने मुद्दा उठाया था सीएम सिटी का, या कोई फरीदाबाद से सीएम क्यों नहीं बनता, ये इस पर हमने विस्तृत रूप से आपके सामने जानकारी रखी। बाकी तो देखो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि फरीदाबाद कभी सीएम सिटी बन पाएगा या नहीं, यहां से कोई कभी मुख्यमंत्री बन पाएगा या नहीं। क्योंकि एक बात सब जानते हैं कि जिस शहर का भी जिस जिले का भी कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है सीएम बनता है तो उस शहर की वो काया पलट देता है, उसमें बहुत तेजी से विकास कराए जाते हैं। चाहे वो रोहतक को देख लें, हिसार को देख लें, भिवानी को देख लें, सिरसा को देख लें, करनाल को देख लें। हालांकि औद्योगिक नगरी होने के नाते फरीदाबाद गुड़गांव विकसित सिटी हैं, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हरियाणा का जो फरीदाबाद था ये गुड़गांव से बहुत आगे निकल सकता था, लेकिन गुड़गांव से क्यों पिछड़ गया जबकि हजारों यहां पर फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, व्यवसाय हैं। चूंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री काल में उनको फरीदाबाद जिले से सीटें नहीं मिली थी, यहां से इनेलो नहीं जीतता था, तो इसी खुंदक में उन्होंने फरीदाबाद में विकास कार्य नहीं कराए। और कुछ लोग दबी जवान से कहते हैं, और चर्चित भी है दबी जवान क्या है, शायद हुड्डा जी भी ने भी कई बार इस बात को कहा है कि जो फरीदाबाद आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और यहां पर कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं आई या वो गुड़गांव की तरह जो विकसित नहीं हो पाया, उसके लिए यदि कोई एकमात्र नेता दोषी है तो वो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में जितने साल भी रहे फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने की कसम खाई थी, और उनके मुख्यमंत्री काल में फरीदाबाद बहुत पिछड़ गया था और उन्होंने जो है नए सिरे से गुड़गांव को तैयार किया, उसको मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर लाने का काम किया और फरीदाबाद का पिछड़े होने का कारण चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बताया जाता है। वरना यदि ओम प्रकाश चौटाला फरीदाबाद से रुष्ट ना होते, उनके यहां से विधायक जीते होते, तो फरीदाबाद जो फकीराबाद कहलाया गया तो वो कहीं गुड़गांव से या नोएडा से बहुत आगे होता। यही कारण है कि आज फरीदाबाद गुड़गांव नोएडा से पिछड़ गया एनसीआर में। तो दोस्तों
जो भी है कारण मैंने आपके सामने रखे, आप इनसे कितने सहमत हैं, असहमत हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और जो मैंने मुद्दा उठाया तो वो कितना सही है, और फरीदाबाद के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, उनको विशेष रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, कमेंट्स लिखने चाहिए। यदि उन्होंने बेहतरीन कमेंट्स लिखे और कारण बताए तो मैं यानी देश रोजाना अगली स्टोरी इस मुद्दे पर कर सकता है। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।